गुड मॉर्निंग। ये क्लास 12 के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। और क्लास 12 में, इससे पहले वाले लेक्चर में स्टार्ट किया था फ्लक्स। अच्छा, ये संडे को टेस्ट होगा, ठीक है। पिछले संडे को मेरी कुछ मिस्टेक के कारण में तो मैंने आंसर भी दे दिया था, तो पिछले संडे को इसलिए टेस्ट नहीं हो पाया था। इस संडे को मैं टेस्ट लूंगा, ठीक है। तो तुमको भूमि पूजन करना है, तुमको ये पूजन करना है, वो पूजन करना है, तुमको लड्डू बांटना है, जो भी करना है तुम करना, लेकिन पढ़ाई ही कर लेना, ठीक है, बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक प्लग्स से। अब इलेक्ट्रिक प्लग्स में मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रिक प्लग्स का मतलब होता है कि गिवन एरिया में से कितना फील्ड लाइंस नॉर्मली क्रॉस करेगा, इसी को हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक प्लग्स बोला था, ठीक है। अब जो नंबर ऑफ पी लाइंस जो क्रॉस करेगा उसका जो मेजर है उसी को हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला था। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था, ई इनटू ए कॉस थीटा। अब ये जो ई है, ई यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए स्टार्ट हो रहा है, ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर, और थीटा यहां पर क्या है, तो थीटा इज द एंगल। थीटा जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा, ठीक है, इतना बताया था। फिर हमने फ्लक्स का यूनिट भी देखा था, फ्लक्स का यूनिट क्या है, फील्ड का यूनिट टाइम्स ऑफ एरिया का यूनिट। तो फील्ड का यूनिट वाज न्यूटन पर कूलम, और एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये बता दिया था। फिर फ्लक्स में क्या बताया था, कुछ क्वेश्चंस भी हमने शायद सॉल्व किए थे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा एरिया वेक्टर कैसे लिखना था, ये मैंने सिखाया था इससे पहले वाले लेक्चर में। मान लो इस तरह से अगर लिखा हुआ है ए बी सी डी, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1 2 3 4 5 6 2 1 3, कुछ तो ऐसे कोऑर्डिनेट गिवन है। फिर ये स्क्वायर तो होगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सर रेक्टेंगल तो होगा नहीं, तो अगर रेक्टेंगल होगा नहीं तो इसको अच्छा वैल्यू मान पड़ेगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लो ये 0, 0, 0, ठीक है, और ये मान लो 1, 1, 1, ये 1, 1, 1 मान लेते हैं, मुश्किल हो जाएगा, 0, 0, 0, और इसको सिंपल में क्या मान सकते हैं, 0 एक्स कोऑर्डिनेट समथिंग कुछ मान लो, 2, 0, 0, इस तरह से मान लो, और ये मान लो कितना, ये वाई एक्सिस मान लो 0, 2, 0। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि इसका एरिया वेक्टर तुम्हें फाइंड आउट करना है, अब इसका एरिया वेक्टर फाइंड आउट करने के तुम क्या करोगे, ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर, ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर कर दोगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे एरिया वेक्टर कैसे कैलकुलेट किया था, एरिया वेक्टर अगर कैलकुलेट करना है सिंपल से, ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर फाइंड आउट कर लो। तुम ए डी क्रॉस ए बी भी कर सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड में ए बी क्रॉस ए डी करते हैं, मतलब दोनों में से कुछ भी कर लो तुमको एरिया वेक्टर मिल जाएगा। अब एक बार एरिया वेक्टर मिल गया तो हमें क्या करना है, अब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे देखना है, एक देखो ए बी क्रॉस ए डी है तो ए बी वेक्टर इस तरफ है, ए डी वेक्टर इस तरफ था, ए बी क्रॉस ए डी एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आ जाएगा, क्या एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आ गया, फील्ड भी तुमको पता है, फील्ड भी मैंने वेक्टर के फॉर्मेट में दे दिया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देना, सिंप्लीफाई करोगे आंसर आ जाएगा, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा, ये बताया था। फिर इसमें सेकंड टाइप का क्वेश्चन कैसे कराया था, सेकंड टाइप का क्वेश्चन में तुमको फील्ड का वैल्यू दे दिया, एरिया का वैल्यू दे दिया, और कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू दे दिया, थीटा मतलब इस तरह का क्वेश्चन कराया था भाई, देखो मान लो डिस्क ऐसे रखा हुआ है और पी लाइन उसको ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, पी लाइन जो है वो उसको ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, मान लो कुछ का एंगल 37 डिग्री पे। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो एरिया वेक्टर जो है ए कैप ऊपर जा रहा है और फील्ड ई नॉट इस तरफ जा रहा है, तो इनके बीच में एंगल 53 डिग्री का मैंने बताया था। अब इसको अगर सिंप्लीफाई कर लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता है, एरिया का मैग्नीट्यूड भी पता है, दोनों के बीच का एंगल भी पता है, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या किया था, थर्ड टाइप का क्वेश्चन किया था, थर्ड टाइप का क्वेश्चन में क्या था, कुछ डायग्राम गिवन है और बाहर से क्या हो रहा है, पी लाइंस क्रॉस कर रहे हैं, जैसे मैंने वो टाइम वो वाला क्वेश्चन कराया था। अच्छा, जब भी तुमको फ्लक्स कैलकुलेट करना हो ये ध्यान रखना कि उसमें से पी लाइंस क्रॉस कर रहे हैं या नहीं, अगर पी लाइंस क्रॉस नहीं करेंगे तो
तो फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन होता है, जैसे ऐसे क्वेश्चन मैंने कराया भी था कि स्क्वायर है और स्क्वायर के कॉर्नर में एक चार्ज रख दो, एक स्क्वायर ले लो और स्क्वायर के कॉर्नर में एक चार्ज रख दो, तो वो जो स्क्वायर है स्क्वायर से कितना फ्लक्स लिंक होगा, इस तरह का क्वेश्चन ही कराया है क्या? पहले एक बार व्हाइट बोर्ड रब हो जाए भाई, ये व्हाइट बोर्ड रब करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, ठीक है? गीला प्लस सूखा मिला के व्हाइट बोर्ड रब होगा। जैसे मान लो ऐसा बोलूं कि एक डिस्क है ऐसा, ठीक है, और फी लाइन ऐसे जा रहे हैं पैरेलल, फी लाइन ऐसे है, इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर। ये जो फी लाइंस है क्वेश्चन में वो क्या है, फी लाइंस आर परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, फी लाइंस आर परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, या तो आप ये बोल दो या आप ये भी बोल सकते हो, और फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ एरिया, प्लेन ऑफ एरिया, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो फील्ड लाइंस क्रॉस तो कर रहे हैं लेकिन कोई भी उसको नॉर्मली क्रॉस नहीं कर पा रहा है। ये बात ऐसा हो गया कि मान लो ये व्हाइट बोर्ड हमारा एरिया है और फील्ड लाइंस यहां से ऐसे ऐसे पैरेलल में, प्लेन के पैरेलल में मूव कर रहे हैं, तो कोई भी फील्ड लाइन इस एरिया को क्रॉस करेंगे क्या? नहीं। अगर कोई भी फील्ड लाइन ने इस एरिया को क्रॉस नहीं किया, मतलब जो फ्लक्स एसोसिएटेड होगा इस केस में, जो फ्लक्स एसोसिएटेड होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन मैंने इसमें ऐसा कराया था, मैंने क्या बोला, एक स्क्वायर प्लेट के कॉर्नर पे क्यू चार्ज रख दो। अब जो भी फील्ड लाइंस होंगे ना, इस क्यू से जो भी फील्ड लाइंस निकलेंगे वो एरिया के पैरेलल चले जाएंगे क्या, प्लेन ऑफ द एरिया के पैरेलल चले जाएंगे, तो यहाँ पर फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। अच्छा, फिर इसमें नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो कराया था, याद क्या रखना है कि अगर देखो मेरे पास दो तरह का एरिया था ना, एक था मेरे पास ओपन एरिया और दूसरा है मेरे पास क्लोज एरिया। जब भी आपको ओपन एरिया में फ्लक्स कैलकुलेट करना होता है, ओपन एरिया में फ्लक्स कैलकुलेट करने का मतलब है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो ओपन एरिया को क्रॉस करके चले जाएंगे वो क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा। जैसे मान लो ये डिस्क वाला केस था, ये ओपन एरिया है, अब इस डिस्क को जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस करके चले जाएंगे इसका जो मेजर होगा वो तुम्हें क्या करेगा, फ्लक्स बता देगा, ठीक है। ये याद रखना है, अगर ओपन एरिया में, ये नोट करके लिख लेना जो मैं अभी बोल रहा हूँ, अगर ओपन एरिया में फ्लक्स कैलकुलेट करना होता है तो ओपन एरिया में फ्लक्स का मतलब है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दैट विल क्रॉस टू द एरिया नॉर्मली, जितने भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो इस एरिया को नॉर्मली क्रॉस करेंगे वो यहां पर क्या बताएंगे, फ्लक्स बताएंगे। ओपन एरिया में अगर एरिया ओपन है तो फ्लक्स इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया, क्रॉसिंग द एरिया नॉर्मली, जितने फील्ड लाइंस एरिया को नॉर्मली क्रॉस कर जाएंगे वो क्या हो जाएगा, ओपन एरिया के केस में फ्लक्स हो जाएगा। लेकिन अगर मैं क्लोज एरिया के टर्म्स में बात करूं, मान लो मेरे पास एक ऐसा क्यूब शेप का एरिया है, अब ये जो क्यूब है ये क्लोज डायग्राम है, यहाँ पे जो क्यूब है ये क्यूब कैसा है, क्लोज डायग्राम है। अब यहां पर अगर मैं बोलूं कि मान लो यहाँ पे कुछ फील्ड लाइंस ऐसे आ रहे थे, कुछ फील्ड लाइंस आ रहे थे और ये फील्ड लाइंस ऐसे बाहर भी चले गए, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्लोज एरिया में, मैंने कल तुमको ये पॉइंट बताया भी था कि जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटर करेंगे और उतने ही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर बाहर चले गए तो नेट फ्लक्स जो लिंक होगा वो जीरो हो जाएगा क्या। जैसे इस केस में अगर आप देखोगे तो देखो तीन फील्ड लाइंस मैंने क्लोज एरिया पर एंटर करता हुआ दिखाया है और तीन फील्ड लाइंस मैंने क्लोज एरिया से बाहर जाता हुआ भी दिखाया है, इसका मतलब इस क्लोज एरिया से जो फ्लक्स एसोसिएटेड होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? हमने क्या बोला, अगर ओपन एरिया है तो ओपन एरिया में तो बहुत ही सिंपल है, कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसको नॉर्मली क्रॉस करते हैं उसका जो मेजर होगा वो क्या हो जाएगा, फील्ड वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू बता देगा। लेकिन अगर क्लोज एरिया है, क्लोज एरिया जैसे क्यूब हो गया,
स्पीयर हो गया। इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि डिफरेंस डिफरेंस क्या है, किस चीज का डिफरेंस, नंबर ऑफ पिन लाइंस जो एंटर करेंगे और नंबर ऑफ पिन लाइंस जो बाहर जाएंगे। अगर नंबर ऑफ पिन लाइंस जो एंटर करने वाले हैं क्लोज एरिया में अगर वो सेम होंगे, नंबर ऑफ पिन लाइंस जो बाहर निकलने वाले हैं, इसका मतलब फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सर्फेस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे अगर मैं ऐसा बोलूं कि यहाँ पर एक स्पीयर है, एक स्पीयर है और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे मान लो तीन पिन लाइंस एंटर कर रहे थे और बाहर से दो गए हैं, तो यहाँ पर जो नेट फ्लक्स है ना वो जीरो नहीं है। इस वाले केस में नेट फ्लक्स जीरो क्यों नहीं है, क्योंकि जितना पिन लाइंस एंटर किया था उतना पिन लाइन बाहर नहीं जा रहा है। लेकिन इस वाले डायग्राम में अगर आप ये क्यूब वाले डायग्राम में देखोगे तो अगर नंबर ऑफ पिन लाइंस जो एंटर कर रहे हैं और नंबर ऑफ पिन लाइंस जो बाहर जा रहे हैं दोनों का नंबर सेम होगा तो फ्लक्स टू द क्लोज सर्फेस विल बी जीरो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। देखो फ्लक्स में मैंने पहले तो देखो फ्लक्स का जब तक कैलकुलेशन नहीं समझ में आएगा गॉसस थ्योरम नहीं समझ में आएगा, गॉसस थ्योरम नहीं समझ में आएगा तो कंडक्टर की कहानी नहीं समझ में आएगी, कंडक्टर नहीं आएगा तो कैपेसिटर नहीं आएगा, पूरी कहानियां जुड़ी हुई है। अब अगर तुमको सारी कहानियां सारी कड़ियों को जोड़ना नहीं आएगा देन यू विल नॉट गेन एनीथिंग फ्रॉम दिस लेक्चर। ठीक है, याद क्या क्या रखना है सर जी, सबसे पहले तो याद रखना है कि फ्लक्स होता क्या है। तो फ्लक्स क्या था, फ्लक्स जो है नंबर ऑफ पिन लाइंस जो नॉर्मली क्रॉस करने वाले हैं एरिया को, उसका जो मेजर है उसको क्या बोलेंगे, फ्लक्स बोलेंगे। कैलकुलेट कैसे करना है, तो फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर। जनरली डी फाई लिखते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट नहीं होगा, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट नहीं होगा इंटीग्रेशन करना पड़ता है, मैं वैसे क्वेश्चन भी करा दूंगा। आप ऐसा भी याद रख सकते हो, इन जनरल जो फ्लक्स का डेफिनेशन लिखते हैं ना वो ऐसा लिखते हैं, डी फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। अब ये इन जनरल ऐसा डेफिनेशन क्यों मानते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हर जगह कांस्टेंट होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल भी हो सकता है। इसलिए फ्लक्स का फॉर्मूला जो याद रखना है अपने को, डी बाई इक्वल्स टू ई डॉट डीए। मैं क्वेश्चंस कुछ करा दूंगा, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। फिर और क्या याद रखना है, अगर कभी भी ओपन एरिया के कारण फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, ओपन एरिया के कारण फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं जैसे इस वाले एरिया में, तो कितने पिन लाइंस इसको नॉर्मली क्रॉस करते उसका जो मेजर होता वो क्या होता, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू होता। लेकिन अगर क्लोज एरिया है, इस तरह से अगर क्लोज एरिया आएगा, और याद रखना एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम क्लोज एरिया ही पूछा जाता है, अगर क्लोज एरिया है तो क्लोज एरिया में क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ पिन लाइंस जो एंटर करेंगे और नंबर ऑफ पिन लाइंस जो बाहर जाएंगे अगर वो दोनों सेम है, नंबर ऑफ पिन लाइंस जो एंटर कर रहे हैं और नंबर ऑफ पिन लाइंस जो बाहर जा रहे हैं अगर वो दोनों सेम है तो फ्लक्स जो एसोसिएटेड होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा, ऊपर जो स्पीयर मैंने बनाया है उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो पिन लाइंस मैंने तीन एंटर करता हुआ दिखाया है और जो पिन लाइंस बाहर जा रहे हैं, बाहर जाने वाले पिन लाइंस मैंने दो ही दिखाया है। इसका क्या मतलब है कि पिन लाइंस एंटर तो ज्यादा कर रहे हैं लेकिन लीव करके कुछ कम बाहर जा रहे हैं, तो इस केस में सरफेस से जो नेट फ्लक्स होगा वो क्या होगा, जीरो नहीं होगा। अच्छा, इस वाले कहानी पर मैंने कल तुमको दो क्वेश्चन सॉल्व कराया था, ठीक है, दो क्वेश्चन सॉल्व कराया था। क्वेश्चन क्या क्या है, अब सर ये दोबारा से जो रिपीट कर रहे हो क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, ये समझ जाओगे ना तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला चैप्टर में। फ्लक्स कैलकुलेट करना सीख जाओगे तो फिर चैप्टर तुम समझो कि तुमने बहुत हद तक सीख लिया है, उसका तो डेरिवेशन होगा फॉर्मूला होगा याद कर लो ना। देखो जितना डेरिवेशन फॉर्मूला याद रख पाओगे उतने अच्छे चांसेस है कि तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। जैसे मैंने ये क्वेश्चन कराया था, शायद एक डिस्क है ऐसा, ये आर रेडियस का, ठीक है, और यहां पर ऐसे हमने इसको यूनिफॉर्म फील्ड ई नॉट में रख दिया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन कराया था क्या। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये पूरा जो हेमिस्फेरिकल शेप का मेरे पास ऑब्जेक्ट है इसमें क्या है, ये पूरा क्लोज डायग्राम है। क्लोज डायग्राम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये कर्व सरफेस भी है और ये ढक्कन भी है, तो ढक्कन प्लस दिस कर्व सरफेस जो होगा वो मिला के क्लोज डायग्राम बना रहा है। अब अगर ये क्लोज एरिया है तो जितने पिन लाइंस एंटर किए थे अगर उतने ही बाहर जा रहे तो पूरे सरफेस में से या पूरे क्लोज सरफेस में से जो नेट फ्लक्स होगा पाई नेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब मैं पाई नेट को ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, फ्लक्स बिकॉज ऑफ कर्व सरफेस, फ्लक्स बिकॉज ऑफ कर्व सरफेस प्लस फ्लक्स बिकॉज ऑफ दैट ढक्कन,
वो जो ढक्कन है ढक्कन DHA DHA KKN ढक्कन, एक हो गया ये ढक्कन, वो भी कम ढक्कन नहीं थी, ठीक है, वो भी मूवी बहुत ढक्कन थी, मतलब उस टाइम की ठीक थी, अब देखोगे तो ढक्कन ही ढक्कन ही लगी हुई। हाँ तो फाइव एन इक्वल्स टू जीरो का मतलब क्या होगा, अब मैंने इसके यहाँ पे दो सर्फेसेस से तोड़ दिया, एक ये कर्व सर्फेस और ये ढक्कन सर्फेस, अब कर्व सर्फेस प्लस ढक्कन सर्फेस मिला के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, फ्लक्स बिकॉज ऑफ कर्व सर्फेस इक्वल टू माइनस साइन ऑफ फ्लक्स बिकॉज ऑफ ढक्कन, मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। अब मुझे ना क्वेश्चन में पूछा गया था कि कर्व सरफेस जो है उसमें से कितना फ्लक्स लिंक होना है ये बताओ, तो कर्व सरफेस मेरे पास ये है, इसमें से फ्लक्स लिंक होना कितना है वो बताना था। ये फील्ड का स्ट्रेंथ ए नॉट गिवन था और ये जो रेडियस है इसका वो आर गिवन था। अच्छा ये जो डिस्क है ना, डिस्क से फ्लक्स कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है, कैसे, फील्ड इस तरफ है ई नॉट, फील्ड ई नॉट इस तरफ है और एरिया वेक्टर इस तरफ है, ई नॉट भी इस तरफ और एरिया वेक्टर भी इस तरफ। अगर E naught और एरिया वेक्टर इस तरह है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, E naught times of pi r square लिख सकता हूँ क्या, तो plus two curved surface कितना हो जाएगा, minus of E naught times of pi r square। बात समझ में आ रहा है क्या, ऐसा क्वेश्चन मैंने कल बताया था। अच्छा बिल्कुल इससे मिलता जुलता क्वेश्चन एक ऐसा भी कराया था, एक कोन ले लो और कोन को क्या रखा था, ऐसे यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस में रख दिया था। अब यहां पर फिर से अगर देखोगे ना तो ये पूरा पूरा जो कोन है जितने फील्ड लाइंस एंटर कर रहे होते ही बाहर चले जा रहे हैं क्या, जितने फील्ड लाइंस एंटर कर रहे होते ही बाहर जा रहे हैं, तो पूरे सरफेस से जो नेट फ्लक्स होता वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन में पता है क्या पूछते हैं, वो पूछते हैं कि फाइंड द नेट फ्लक्स दैट इज एंटरिंग टू द कोन, वो नेट फ्लक्स नहीं पूछेंगे, बस वो इतना पूछेंगे कि इस कोन में कितना फ्लक्स एंटर किया है वो बताओ। अब कितना फ्लक्स एंटर किया, देखो एंटर करने वाला फ्लक्स जीरो नहीं है, इसमें से नेट फ्लक्स अगर तुम ढूंढोगे, आने वाला फ्लक्स प्लस जाने वाला फ्लक्स, तो वो जीरो है, इसमें नेट फ्लक्स जीरो है क्या, नहीं। तो इसको कैसे सॉल्व किया था, यहां पर मैंने इसका प्रोजेक्टेड एरिया बनाया था इस तरह से, और ये जो प्रोजेक्टेड एरिया है वो ट्राइंगल का बना था। अब इस ट्राइंगल में से जितने भी ई लाइंस क्रॉस करेंगे वही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। तो आंसर कुछ ई नॉट आर इनटू एच ऐसा कुछ आया था। तो इतना मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में करा दिया है, आज का लेक्चर भी प्लस के कैलकुलेशन में ही जाएगा, मतलब जब तक अपने को ऐसा ना लगे कि सर मेरे को प्लस का कैलकुलेशन समझ में आ गया है तब तक गॉसियन थ्योरम नहीं सीख सकते। बात समझ में आया है, तो इतना पहले क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा है एक सर, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दे रखा है, E naught x i cap, ठीक है, जहाँ पे E naught constant है और x जो है वो x coordinate के लिए ऐसा बोला गया है, और ये i cap लिखा है मतलब इसका direction जो है वो x के positive की तरफ। Find the electric flux through the area, मतलब ये जो through the cube लिखना चाहिए, find the electric flux through this cube, ये NCERT book का question है, ठीक है, लेकिन अच्छा question इसे अपन class में लेते हैं इस question को। अब मुझे क्या करना है, इस एरिया से लिंक फ्लक्स, सॉरी ये जो क्यूब है इस क्यूब से लिंक कितना फ्लक्स होगा ये मुझे कैलकुलेट करना है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना E naught x वो यहाँ पे कॉन्स्टेंट नहीं है, वो क्या है, वेरिएबल। अब एकदम ध्यान से देखना मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूंगा, ये इधर वाला जो फेस है ना, ये वाला फेस, इसको मैं मान लूंगा फेस वन, और इधर जो एंड है उसको मैं मान लूंगा फेस टू। क्यूब में टोटल छह फेसेस होते हैं, ये जो रखा है सबसे पहला वाला फेस इसको वन मान लिया, टू मान लिया, बाकी फेस को भी नाम दे देते हैं। ये जो बॉटम वाला फेस है यहां पे उसका नाम रख देते हैं तीन, जो टॉप वाला फेस है उसका नाम रख देते हैं चार, जो पीछे है, पीछे भी एक फेस है क्या, जो पीछे फेस है उसका नाम है पांच, और ये जो आगे जो फेस है इसका नाम है मान लो छह। तो टोटल क्या था, टोटल छह फेसेस है, और इन छह फेसेस के कारण क्या करेंगे अलग अलग। अब अगर तुमसे ये पूछा गया फ्लक्स थ्रू क्यूब, हम क्या जानते हैं फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, अगर फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है तो फ्लक्स थ्रू साइड वन कैलकुलेट कर लेते हैं, फ्लक्स थ्रू साइड टू कैलकुलेट कर लेते हैं, फ्लक्स थ्रू साइड थ्री, फ्लक्स थ्रू साइड फोर, फ्लक्स थ्रू साइड फाइव, फ्लक्स थ्रू साइड सिक्स, ठीक है। अगर मुझे क्यूब से लिंक होता हुआ फ्लक्स, अगर क्यूब से लिंक होता हुआ फ्लक्स मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं क्या कर देता हूँ, मेरे को पता है कि जितने भी सर्फेसेस हैं यहाँ पर
सबके लिए अलग अलग से क्या करेंगे, फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। अब सबके लिए अगर आप अलग अलग से फ्लक्स कैलकुलेट कर लोगे तो जो भी आंसर होगा वो नेट, मतलब जो भी समान सम करने के बाद जो नेट आएगा वो क्या हो जाएगा, फ्लक्स टू दिस पोल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक एक करके आप क्या करेंगे, फ्लक्स कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो ध्यान से देखना है, ये जो स्क्वायर है या ये जो क्यूब है इसका साइड कितना दे रखा है, एक का दे रखा है। मान लो मैं जो पहला वाला फेस है, पहला वाला फेस है, चलो मैं पहले वाले फेस को मार्क कर देता हूं। सपोज मैंने इसको क्या कर दिया, ये वाला, ये जो ग्रीन वाला फेस है ना यहाँ पे, इसके लिए अगर मैं फ्लक्स कैलकुलेट करूं, ये पता नहीं है इधर स्पार्क हो रहा है, ये बर्बादी मारी है। अब ये एरिया है, ये फर्स्ट वाला एरिया अगर आप देखोगे तो डायग्राम पहले तो सोचो कि कैसे रखा हुआ। डायग्राम अगर आप देखोगे तो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और बाहर की तरफ जेड एक्सिस है। डायग्राम ऐसा ही है ना, इधर इधर इस एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये क्या है, जेड एक्सिस। और इस एक्सिस में क्या है, क्यूब रखा हुआ है। इस एक्सिस में क्या है, एक क्यूब रखा हुआ है ऐसे, जिसका डायमेंशन अगर देखोगे तो ए। अब मैंने क्यूब को कहां पर रखा है, ओरिजिन से ए दूरी पे मैंने क्या रखा है, क्यूब को रखा है। स्टार्ट करते हैं, स्पार्क हो सकती है, कभी भी स्पार्क हो सकती है, तो जान बचाना है इंपॉर्टेंट। वैसे दिक्कत उनको होगी जो स्पार्क के नीचे है, लेकिन फिर भी उनको कौन समझाए, ये इतनी आवाज कर रही है, रेडिएट कर रही है थोड़ा क्या। हाँ, इसके लिए पहले पहले तो ये सोचना कि एरिया रखा हो कैसे, तो एरिया कैसे रखा हुआ है, उसके लिए अपना रूम इमेजिन करो। रूम इमेजिन करो और ऐसा मानो कि जो तुम्हारे रूम का कॉर्नर है, कहीं पे बॉटम पे देखो, रूम तो होगा, तो घर के आसपास कहीं पे तुम्हारे पास रूम होगा, या पेड़ों के पत्तों के नीचे तो नहीं होगे, तो जहां पे भी रूम होगा, जैसे मेरे को यहाँ पे रूम देख रहा है, यहाँ पे एक कॉर्नर है, अगर तुमको याद हो लाइब्रेरी, इसी लाइब्रेरी अगर तुमको याद हो, एक कोना यहाँ पे है। अब ये जो कोना है ना, दैट आई विल कंसिडर दैट कोना एज द ओरिजिन। तुम अपने घर का कोना देखना, घर का कोना कोना तुमने देख रखा होगा, अपने घर का कोना देखना और एक कोने को मान लेना ओरिजिन। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर सपोज आई एम द कोना, सपोज आई एम द कोना, तो ये एक्स एक्सिस है इस तरफ, ये वाई एक्सिस है इस तरफ, और इस तरफ क्या है, जेड एक्सिस। ठीक है, और यहां से इस कोने से मैं कोना, अगर आई एम द कोना तो मेरे कोने से, मतलब मैं कोने से एक क्यूब रखा हुआ है। अब क्यूब कैसे रखा हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्यूब को मैंने, जो क्यूब का जो बॉटम वाला सरफेस है ना, वो रखा हुआ है एक्स जेड प्लेन में। ये मेरे पास जेड एक्सिस है, तो क्यूब का जो बॉटम सरफेस है वो रखा हुआ है एक्स जेड प्लेन में। ये मेरे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, तो एक्स जेड प्लेन में बॉटम सरफेस रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा ये क्यूब को कितनी दूरी पर रखा गया है, तो ओरिजिन से ए दूरी पर क्यूब को रखा हुआ है। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, मान लो मुझे फ्लक्स टू सरफेस वन कैलकुलेट करना है, पाई वन। फॉर्मूला क्या लिखते हैं, फ्लक्स का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर, या ऐसा भी लिख सकते हैं ई इंटू ए कॉस थीटा, ये लिखा जा सकता है। फर्स्ट वाले सरफेस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा वो लिखते हैं। हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई नॉट टाइम्स ऑफ एक्स है, और एक्स यहाँ पर क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट। तो यहां से यहां जब जाओगे, मतलब इस वाले फर्स्ट वाले एरिया को कितना पी लाइन क्रॉस करेगा, या फर्स्ट वाले पॉइंट पे पी का जो स्ट्रेंथ है, पी लाइन का डायरेक्शन ऐसा होगा ना, पी लाइन ऐसे एंटर कर रहे हैं फर्स्ट वाले प्लेट को, पी लाइन ऐसे एंटर कर रहे हैं। अब यहां पर अगर आप क्या करोगे, फर्स्ट वाले प्लेट में फील्ड का मैग्नीट्यूड देखोगे तो ई नॉट टाइम्स ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट वहां पर ए है क्या, तो यहां पर क्या लिख देंगे, यहां पर लिख देंगे ई नॉट इंटू स्मॉल ए। अच्छा, ये एरिया, ये अगर क्यूब था तो हर एक स्क्वायर का एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के पॉजिटिव की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स के पॉजिटिव की तरफ है, और सिंस ये क्लोज एरिया है, सिंस ये क्लोज एरिया है, तो एरिया वेक्टर हमेशा नॉर्मली आउटवर्ड होगा क्या, तो इसका एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, एरिया वेक्टर इस तरफ। अगर आप ध्यान से सोचोगे तो दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री का हो गया है। अगर एंगल इज 180 डिग्री तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉस ऑफ 180 डिग्री। कॉस ऑफ 180 का वैल्यू कितना है, माइनस वन। तो प्लस टू फर्स्ट सरफेस कितना हो जाएगा, ई नॉट ए क्यूब माइनस वन। इस तरह से लिख सकते हैं क्या,
मान लो उसी तरह से सेकेंड सर्फेस के थ्रू अगर मैं फ्लक्स कैलकुलेट करूं, सेकेंड सर्फेस कौन सा है, तो सेकेंड सर्फेस ये वाला है क्यूब का जो ऑपोजिट है, ये जिसको मैंने रेड रेड से पेंट कर रखा है ना, ये जो सेकेंड वाला एंड है उसमें मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करना है। अब यहां से यहां अगर आप आओगे तो x का वैल्यू कितना है, यहां पर x का वैल्यू 8 + 8 2 × 8 हो जाएगा क्या, मतलब यहां पर जो फील्ड का वैल्यू है, यहां पर जो फील्ड का वैल्यू है वो E0 × 2A लिख सकते हैं क्या, फील्ड का वैल्यू इस तरह। अच्छा ये अगर ऐसा एरिया है तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो ए स्क्वायर बाहर की तरफ चला जाएगा। अब देखो फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 0° बन रहा है, तो अगर मैं फ्लक्स टू सेकेंड सर्फेस लिखूंगा तो क्या लिखेंगे, E0 twice ऑफ ए, और एरिया वेक्टर यहां पर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा cos 0। इसका मतलब फ्लक्स टू सेकेंड सर्फेस अगर मैं लिखूं, ये मैं रफ कर दे रहा हूं, अगर मैं फ्लक्स टू सेकेंड सर्फेस लिखूं तो वो क्या हो जाएगा 2 × E0 a³, ऐसा लिखा जा सकता है क्या, हाँ या ना। अच्छा अब मान लो मैं ना किस थर्ड सर्फेस के अराउंड लिखता हूं, थर्ड सर्फेस कैसा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्स के डायरेक्शन में क्या, अभी ध्यान से देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिस डायरेक्शन में है, और जो मेरा एरिया है थर्ड एरिया वो एक्स और जेड प्लेन पे है ना, ये एक्स एक्सिस ये जेड एक्सिस, तो एक्स जेड प्लेन ये हुआ क्या, ध्यान से अगर आप सोचोगे तो देखो एक्स जेड प्लेन जो है वो ये है, इधर इधर एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो ये एक्स जेड प्लेन हो गया ना, तो थर्ड वाला एरिया ऐसे रखा हुआ है और फील्ड लाइन ऐसे जा रहे हैं, फील्ड लाइन तो एक्स के पैरेलल में जा रहे हैं ना, तो कभी भी कोई फील्ड लाइन को क्रॉस कर पा रहे हैं क्या, नहीं, सारे के सारे फील्ड लाइन से पैरेलल निकल जा रहे हैं, इसके प्लेन के पैरेलल निकल जा रहे हैं। क्या आप ऐसा सोचोगे तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा नॉर्मली आउटवर्ड दिखाना होता है, इसका एरिया वेक्टर अगर आप देखोगे तो इसका एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड नीचे की तरफ हो गया और फील्ड इस डायरेक्शन में हो गया, तो फील्ड इनटू एरिया वेक्टर अगर करोगे तो कॉस 90 बनेगा क्या, कॉस 90 बनेगा, मतलब थर्ड वाले के फ्लक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फोर्थ वाले सर्फेस के बारे में सोचो, तो फोर्थ वाला सर्फेस ऐसा रखा हुआ है, इसका एरिया रेडियली ऊपर, इसका फोर्थ वाला जो सर्फेस उसका एरिया वेक्टर रेडियली ऊपर और फील्ड लाइन अभी भी एक्स एक्सिस की तरफ है क्या, तो फोर्थ वाले सर्फेस के लिए भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है। अच्छा फिफ्थ वाले सर्फेस के बारे में सोचो, फिफ्थ वाला जो सर्फेस है उसमें फील्ड जो है वो एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, फिफ्थ वाले सर्फेस में वो एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है और फील्ड लाइन ऐसे क्रॉस करेगी क्या, फील्ड लाइन जो है वो एक्स एक्सिस में ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, अगर फील्ड लाइन ऐसे क्रॉस कर रहे हैं और इसका एरिया वेक्टर अगर देखोगे, इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, अगर ये ऐसा होता तो फील्ड लाइन ऐसे क्रॉस कर रहे हैं और इसका एरिया वेक्टर उधर चला जाता है क्या, तो फिफ्थ वाले सर्फेस के लिए भी 0 हो जाएगा, और सिक्स्थ वाले सर्फेस के लिए, सिक्स्थ वाले सर्फेस में ऐसा एरिया है, एरिया वेक्टर इधर की तरफ फील्ड इस तरफ, तो सिक्स्थ वाले सर्फेस के लिए भी 0 हो गया क्या। इसका मतलब जो भी फ्लक्स है, जो भी फ्लक्स है फॉर सर्फेस 3, फॉर सर्फेस 4, फॉर सर्फेस 5, फॉर सर्फेस 6, जो भी फ्लक्स है फॉर सर्फेस 3, सर्फेस 4, सर्फेस 5, सर्फेस 6, इसका वैल्यू 0 हो गया। इसका मतलब जो नेट फ्लक्स बनने वाला है पूरे क्यूब से, पूरे क्यूब से जो नेट फ्लक्स बनने वाला है वो क्या हो जाएगा, 2E0 a³ प्लस में और माइनस में E0 a³। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो E0 × a³ हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप ये तुमको समझ में आया है। अगर तुमको थ्री डायमेंशन इमेजिन करना आता है, अगर तुम थ्री डायमेंशन में इमेजिन कर सकते हो तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा। अच्छा मान लो ना ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया है तो इसी का एक एडवांस क्वेश्चन भी बना सकते हैं, मतलब इसी का एक ऊपर लेवल का क्वेश्चन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, अभी मैंने फील्ड को क्या रखा था, मैंने क्वेश्चन में जो फील्ड का वैल्यू तुमको दिया था वो ऐसा दिया था क्या, क्वेश्चन में जो फील्ड का वैल्यू मैंने आपको बताया था वो क्या था, E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग रखा था। इसी का क्वेश्चन अगर मुझे बताना होता तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसा भी दे सकता था क्या, E0 x i cap प्लस E0 y j cap प्लस E0 z k cap। मान लो मैं इस तरह से फील्ड देता था, अब अगर मैंने इस तरह से फील्ड दिया तो अब मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब क्या हो जाएगा, अब तुम फ्लक्स अगर फाइव वन के लिए कैलकुलेट करो, मान लो इस वाले के लिए जब फ्लक्स कैलकुलेट करोगे तो एक्स वाला जो फील्ड का कंपोनेंट है ना उसके लिए तो फ्लक्स बनेगा,
लेकिन जो y कंपोनेंट z कंपोनेंट होगा उसके भी जीरो हो जाएगा। जैसे अगर मैं फर्स्ट वाले सरफेस के बारे में बताऊं, ध्यान से देखना, जो फर्स्ट वाला सरफेस है वो ऐसा रखा हुआ है, हाँ ये इधर इधर x एक्सिस में आना, फर्स्ट वाला जो सरफेस है वो ऐसा रखा हुआ है, तो फील्ड का जो x कंपोनेंट है उसके लिए ये फ्लक्स यहाँ पे लिंक हो रहा है, मतलब एरिया फ्लक्स कट कर रहा है, ये जो एरिया है उसमें से कुछ फील्ड लाइंस नॉर्मली पास हो रहे हैं। लेकिन जो y कंपोनेंट होता, y कंपोनेंट के पैरेलल चला जाएगा, अगर एरिया के प्लेन के पैरेलल है तो फ्लक्स क्या हो गया, जीरो हो गया। उसी तरह z कंपोनेंट अगर देखोगे तो z कंपोनेंट भी पैरेलल चला गया क्या, तो इसके लिए ये जो एरिया है, एरिया नंबर वन जो है उसमें अगर आप देखोगे तो जो फील्ड का x कंपोनेंट है उसके कारण फ्लक्स लिंक हो रहा है, लेकिन जो फील्ड का y कंपोनेंट और फील्ड का जो z कंपोनेंट है उसके लिए कोई फ्लक्स लिंक होगा क्या, नहीं, कोई फ्लक्स लिंक नहीं होगा। वैसे ही अगर आप सेकंड वाले के डायग्राम पे देखोगे तो सेकंड वाले में भी क्या होगा, x के लिए फ्लक्स लिंक होगा लेकिन y के लिए और z के लिए कोई फ्लक्स लिंक नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? मान लो मैं थर्ड वाले के बारे में बात करूं ना, ये थर्ड वाले एरिया के बारे में बात करूं, तो थर्ड वाला एरिया ऐसा रखा हुआ है, अब इसका x कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट कोई फ्लक्स एसोसिएट नहीं करा पाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट अगर देखोगे तो y कंपोनेंट क्या है, y कंपोनेंट को ऐसे कट करके ऊपर आ रहा होगा, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट है वो फ्लक्स लिंक करा सकते हैं। z कंपोनेंट फिर से ऐसे पैरेलल चला जाएगा, तो z कंपोनेंट के कारण भी क्या होगा, कोई फ्लक्स नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है? अगर 3 के लिए देख लिया तो वैसे ही 4 के लिए हो जाएगा, वैसे ही 5 के लिए हो जाएगा, वैसे ही 6 के लिए हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, आपको ऐसा समझना कि अगर मेरे पास e नॉट x i कैप पर्सन, तो मेरे पास फील्ड कितना आता है, e नॉट a क्यूब आ रहा है। अब अगर ये तीनों होते तो ऐसा मान लो कि तीन अलग अलग क्वेश्चन है जिनको एक साथ जोड़ दिया गया, एक बार मैं सिर्फ e नॉट x के कैलकुलेट कर लेता हूँ, फिर मैं e नॉट y के कैलकुलेट कर लूंगा, फिर मैं e नॉट z के लिए कैलकुलेट कर लूंगा। तो सेम डायग्राम में अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते, y कोऑर्डिनेट जो है, सेम डायग्राम में अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो y कोऑर्डिनेट, जैसे यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मान लो अगर मैं थर्ड वाले फेस के लिए कैलकुलेट करता ना, तो थर्ड वाले फेस के लिए ध्यान से देखना, ये तुमको समझ में आ जाएगा। थर्ड वाले फेस में अगर मैं इस थर्ड वाले फेस के लिए बात करूं, यहाँ पे फील्ड का वैल्यू कितना है, y कंपोनेंट, देखो थर्ड वाले फेस के, मैं सिर्फ थर्ड वाले फेस की लिख रहा हूं, फॉर फेस 3, अगर मैं थर्ड वाले फेस के बारे में बात करूं तो थर्ड वाले फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट के कारण तो कोई फ्लक्स नहीं बनेगा। ध्यान से देखना, एक में सॉल्व करूंगा, बाकी को खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। थर्ड वाले फेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो x कंपोनेंट है वो तो पैरेलल ऐसे चला गया, उससे भी कुछ फ्लक्स नहीं बनने वाला। जो z कंपोनेंट है वो भी पैरेलल ऐसा आ जाएगा, कोई फ्लक्स नहीं बनने वाला। किसके लिए फ्लक्स बन सकता है, तो जो फील्ड का y कंपोनेंट है वही इसको ऐसे क्रॉस कर सकता है। इस पॉइंट पे ये ओरिजिन पे रखा हुआ है, ये अगर देखोगे तो ये एग्जैक्ट प्लेन है, जो थर्ड वाला फेस है वो तो एग्जैक्ट प्लेन पे रखा हुआ है। अगर थर्ड वाला फेस एग्जैक्ट प्लेन पे रखा हुआ है तो यहां पर y कोऑर्डिनेट क्या है, यहां पर y कोऑर्डिनेट 0 है। अगर y कोऑर्डिनेट 0 हो गया तो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा। थर्ड वाले फेस में अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब इसमें से जो फ्लक्स लिंक होगा वो भी 0 हो जाएगा। समय को नहीं समझ में आ रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो थर्ड वाले फेस में इसके कारण तो कुछ नहीं होने वाला, इसके कारण भी कुछ नहीं होने वाला। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो क्या है, एरिया के प्लेन के पैरेलल है। E नॉट y के बारे में अगर आप सोचोगे तो थर्ड वाले फेस में क्या होगा, E नॉट y, अब अगर मैं E नॉट y के बारे में बात करूं, फ्लक्स 3, तो E नॉट इस पॉइंट पर y का वैल्यू 0 है क्या। अगर फील्ड का वैल्यू 0 हो गया तो एरिया कुछ भी रख दो, ये फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो थर्ड वाले जो फेस है उसमें से फ्लक्स कितना लिंक हुआ, 0 हो गया। क्यों लिंक 0 हो रहा है, क्योंकि यहां पर तुम्हारे पास जो फील्ड का y कंपोनेंट है वो 0 हो जा रहा है। x वाले के साथ क्यों 0 है, y वाले के साथ क्यों 0 है, ये बात समझ में आया। और z वाले के साथ क्यों 0 है, तो x और z वाले का कारण क्या है, ये मेरा जो xy प्लेन था, ये जो मेरा xy प्लेन था, xy प्लेन ऐसा है, ठीक है, ये सॉरी xz प्लेन ऐसा है। अब xz प्लेन अगर ऐसा है तो फील्ड का x कंपोनेंट कोई फ्लक्स नहीं बना पाएगा, फील्ड का z कंपोनेंट कोई फ्लक्स नहीं बना पाएगा। फ्लक्स कौन बना सकता था, फील्ड का y कंपोनेंट, लेकिन फील्ड का y कंपोनेंट जो है वो इस पॉइंट पे 0 हो गया। अगर फील्ड का y कंपोनेंट इस पॉइंट पे 0 है, मतलब उसके कारण कोई फ्लक्स नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, मैं फोर्थ वाले सरफेस में अगर देखता,
मैं अगर फोर वाले सरफेस में देखता तो फोर वाले सरफेस में कैसे लिखेंगे, प्लस टू सरफेस फोर। अब पता नहीं मेरे को तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं, लेकिन बहुत जरूरी है समझना ही है। नहीं समझ में आए स्क्रीन को रोक के देखो, वीडियोस को बार बार देखो, जब तक नहीं समझ में आए तब तक देखो। फर्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान था, सेकंड वाला क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, लेकिन अगर तुमको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो तुम दूसरा कर सकते हो। देखो फोर्थ वाले में अगर मैं बात करूं ना, तो फिर से क्या होगा, फील्ड का एक्स कॉम्पोनेंट पे कोई फ्लक्स नहीं, फील्ड का जेड कॉम्पोनेंट पे कोई फ्लक्स नहीं, जो भी फील्ड का फ्लक्स बनेगा वो फील्ड के वाई कॉम्पोनेंट पे बनेगा। इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट a है क्या? अगर y कोऑर्डिनेट a है तो यहाँ पर जो फील्ड है उसका वैल्यू a नॉट इनटू k, और वो क्या कर रहा है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे फ्लक्स कितना आ जाएगा, फ्लक्स यहाँ पर आ जाएगा e नॉट a टू द पावर q। समय को नहीं समझ में आया कुछ भी। उसी तरह अगर मैं बोलता कि मुझे फ्लक्स थ्रू फेज पाइप कैलकुलेट करना है, अब जो पाइप वाला फेज है, ये जो पाइप पीछे वाला जो फेज है वो क्या है, वो वाई और एक्स प्लेन में रखा है क्या? अगर वो वाई और एक्स प्लेन में रखा है, मतलब ये जो पीछे जो फेस है, पीछे जो फेस है उसमें फील्ड का वाई कॉम्पोनेंट पैरेलल फील्ड, फील्ड का एक्स कॉम्पोनेंट भी पैरेलल, फील्ड का एक्स कॉम्पोनेंट इस तरह पैरेलल, फील्ड का वाई कॉम्पोनेंट पैरेलल, तो जो भी फ्लक्स बन सकता था सिर्फ फील्ड के जेड कॉम्पोनेंट से बन सकता था। अगर मैं फेस पाइप के बारे में बात करूं, फेस पाइप जो है अगर वो एक्स वाई प्लेन में रखा है तो वहां पे z कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा क्या? अगर z कंपोनेंट जीरो तो फ्लक्स टू फेस पाइप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पाइप के कारण जो फ्लक्स हो गया वो क्या हो गया, जीरो हो गया। अब अगर मैं फ्लक्स कैलकुलेट करूं सिक्स्थ वाले फेस पर, तो फिर से जो सिक्स्थ वाला फेस है उसमें क्या होगा, ये मेरा जो सबसे सामने वाला फेस होगा, सबसे सामने वाला फेस होगा उसमें अगर आप देखोगे तो देखो एक्स के कारण फ्लक्स, फील्ड का एक्स कंपोनेंट के कारण फ्लक्स जीरो, फील्ड का वाई कंपोनेंट के कारण फ्लक्स जीरो। अब जो भी z कंपोनेंट होगा वही तो उसको क्रॉस कर सकता है क्या? अब यहां पर अगर देखोगे ना, ये ऐसे सामने लाकर रखा हुआ है, तो यहां से एक दूरी पे रखा है क्या, ओरिजिन से ये एक दूरी पे रखा हुआ है ना, ये सामने वाला फेस जो है, तो अगर ये एक दूरी पे रखा है तो फील्ड का जो z कंपोनेंट होगा यहां पर वो e नॉट टाइम्स ऑफ a हो जाएगा। जिस तरफ एरिया वेक्टर है उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी है, तो यहां पर क्या आ जाएगा a स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा e नॉट टाइम्स ऑफ e क्यूब होगा। और फर्स्ट वाला और सेकंड वाले के लिए तो मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। अब क्या करोगे, सबको ऐड कर दोगे तो नेट फ्लक्स मिल जाएगा क्या? तो नेट फ्लक्स जो यहाँ पर है वो 3 टाइम्स ऑफ ई नॉट ए क्यूब आएगा। आई होप ये क्वेश्चन तुमको समझ में आया हो, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है। अगर नहीं समझ में आया है तो ध्यान से लेक्चर को देखो, जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक आगे के चैप्टर बहुत मुश्किल होने वाले हैं। फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करना है, तो सिंपल सा क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का वहां पर डॉट प्रोडक्ट करना है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक डायरेक्शन में है तो फ्लक्स मैक्सिमम हो जाता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो फ्लक्स क्या हो जाता है, मिनिमम होता है। और किसी रेस्ट एंगल को अगर निकालना है तो ये कॉस थीटा कर देंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एग्जाम में आ सकता है ये। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, एक इंटीग्रेशन का तरीका ही बताऊंगा, फिर आगे जाके सॉलिड एंगल से भी आपको फाइंड कर सकते हो, लेकिन बता देता हूं इंटीग्रेशन वाला। मान लो क्या है, एक ऐसा डिस्क है, ठीक है, एक ऐसा डिस्क है और ये डिस्क का रेडियस उन्होंने बोला कि आर का है, और इससे कुछ तो ए दूरी पर एक चार्ज रखा है कैपिटल क्यू का। एक डिस्क है ऐसा आर रेडियस का, डिस्क कैसे रखा हुआ है ऐसा, इस तरह से डिस्क रखा हुआ है और यहां पे एक चार्ज रखा है ए डिस्टेंस पे। अब ये बोला गया है फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द डिस्क, क्या बोला गया है, फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द डिस्क, थ्रू द डिस्क because of charge q, because of charge q, ये जो चार्ज है चार्ज q, इसके कारण से क्या करना है, डिस्क में कितना फ्लक्स लिंक होगा वो अपने को फाइंड आउट करना है। अब यहां पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्यों, जैसे ये q चार्ज से अगर आप देखोगे तो q चार्ज से अगर मैं यहां चला जाऊं,
इस पॉइंट पर। अगर मैं क्यू चार्ट से इस पॉइंट पे चला जाऊं और क्यू चार्ट से इस पॉइंट पे चला जाऊं, जितना फील्ड का स्ट्रेंथ यहां पर है उतना ही फील्ड का स्ट्रेंथ यहां पर होगा क्या? नहीं सर, जो फील्ड होता है एक सोर्स चार्ज के कारण जो फील्ड होता है वो सेपरेशन के हिसाब से चेंज हो जाता है। यहां से यहां का सेपरेशन अलग है और यहां से यहां का सेपरेशन अलग है। अगर सेपरेशन चेंज हो गया मतलब ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, पॉइंट ए पर जो फील्ड का स्ट्रेंथ होगा और पॉइंट बी पे जो फील्ड का स्ट्रेंथ है वो चेंज हो गया है। अब जब भी अभी से पहले तक मैंने जितने भी उनको क्वेश्चन सॉल्व करा है ना, उन सब में फील्ड का स्ट्रेंथ क्या था? कॉन्स्टेंट था। फील्ड का स्ट्रेंथ कॉन्स्टेंट था इसलिए सॉल्व करने में इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन अब क्या है, अब जो फील्ड है वो मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म है, वो कॉन्स्टेंट नहीं है। अगर फील्ड कॉन्स्टेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक छोटे से रीजन में पहले फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। किस तरह से? छोटे से रीजन में डी फाई क्या लिखेंगे, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर लिख देंगे। और नेट फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए इसको प्रॉपर लिमिट में क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे और वो क्या होगा, वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, जब फील्ड कॉन्स्टेंट है तो तुम सिंपली सिंपल ए ई ए कॉस थीटा लिख दो, आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर फील्ड कॉन्स्टेंट नहीं है, अगर फील्ड कॉन्स्टेंट नहीं है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें ये इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। अब यहां पर देखो, पहले तो तुमको ये समझ, जब भी मैं क्वेश्चन में तुमको बताता हूं कि इंटीग्रेशन करना है तो पहले तो ये समझो कि इंटीग्रेशन क्यों आया, क्योंकि एग्जाम में तुमको पहले ये अप्रोच लगाना पड़ेगा कि हाँ भाई अगर इंटीग्रेशन कर रहे तो क्यों कर रहे हैं। इंटीग्रेशन सिखाना मेरा काम नहीं है, मैंने बेसिक इंटीग्रेशन तुम्हें थोड़ा बहुत बता दिया है लेकिन मेरा काम इंटीग्रेशन बताना नहीं है। ठीक है, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो अप्रोच है वो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स चाहे तो वो नेगलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो एम्स का सोचते हैं तो फिर मैं बोलूंगा उनको वो देखना चाहिए, लेकिन अगर वो एम्स का नहीं सोचते, उनको लगता है कि अपन नीट के काफी हैं, तो वो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तुम्हारे चॉइस पर है, क्योंकि इसमें अच्छा खासा इंटीग्रेशन यूज होगा और शायद अगर इंटीग्रेशन नहीं आएगा तुम फालतू को गाली दोगे मेरे को कि कुछ पढ़ाता वढ़ाता है नहीं, बस भारी भारी क्वेश्चन कराता रहता है। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैंने क्या बोला, एलिमेंट लेना पड़ेगा भाई साहब। क्यों एलिमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कॉन्स्टेंट नहीं है। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट नहीं मिले, आज के बाद से जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट नहीं मिले तो हम क्या करेंगे, फ्लक्स के कैलकुलेशन के लिए एलिमेंट पे फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। एक बार एलिमेंट पे फ्लक्स मिल गया, प्रॉपर लिमिट्स में इंटीग्रेट कर देना, आंसर आ जाएगा। अब डिस्क के केस में एलिमेंट कैसे लेते हैं, तो हमें याद है सर जब भी आपने बोला था कि डिस्क होगा, ये मैंने तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब सिखाया था या रोटेशन जब पढ़ाया था बताया था, डिस्क के केस में एलिमेंट कैसे लिया जाता है। जब भी डिस्क गिवन होगा तो डिस्क में एलिमेंट लेने का तरीका है, आर डिस्टेंस पर जाकर एक डी आर थिकनेस का अपने को क्या करना होता है, रिंग कट करना होता है। इस तरह से एलिमेंट लेते हैं क्या, तो यहां पर भी मैंने क्या कर दिया, आर डिस्टेंस पे जाकर इस तरह से एक डी आर थिकनेस का रिंग कट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा ना, पहले मैं इस डी आर के थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट कर लूंगा। एक बार इस डी आर रिंग एलिमेंट के कारण अगर मुझे फ्लक्स मिल गया या डी आर एलिमेंट के से एसोसिएटेड जो फ्लक्स है वो मिल गया, तो मैं क्या कर दूंगा, प्रॉपर लिमिट्स में इंटीग्रेट कर लूंगा। प्रॉपर लिमिट्स यहां पे क्या जाएगी, जीरो से हर तक जाएंगे क्या, देख लेते हैं। तो अगर मैं लिखूं फ्लक्स टू द रिंग डी फाइव किसके कारण लिख रहे हैं, रिंग के कारण। ध्यान से देखना, मैंने रिंग कहां पे कट किया है, ये मैंने रिंग कट किया है या इस डायरेक्शन इधर ऐसा कुछ मैंने रिंग कट किया है, डी आर थिकनेस का। अब अगर ये ए है, ये डिस्टेंस कोई स्मॉल आ रहा है, ये जो डिस्टेंस है कोई स्मॉल आ रहा है, तो ये जो लेंथ है मेरे पास वो रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर लिखा जा सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, क्यू पॉइंट के कारण इस पॉइंट पर अगर मुझे फील्ड जानना होता तो फील्ड रेडियली आउटवर्ड दिखाते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज के कारण रेडियली आउटवर्ड अगर आप फील्ड दिखाओगे तो फील्ड का वैल्यू क्या लिखेंगे, के क्यू अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर। सेपरेशन इस केस में कितना है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो के क्यू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फील्ड का मेरे पास डायरेक्शन हो गया। अब ये जो रिंग है, रिंग का एरिया वेक्टर बाहर जाएगा, तुम बाहर ले लो अंदर ले लो कुछ भी ले सकते हो, दोनों केस में आंसर आएंगे, बस एक प्लस माइनस का चेंज हो जाएगा।
तो मैंने इसका एरिया वेक्टर डीए वेक्टर जो है वो मैंने बाहर की तरफ मान लिया। अब यहां का थीटा मान लेते हैं, इसके बीच में फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है वही तो थीटा होता है ना। अच्छा ये अगर थीटा है ना, अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये थीटा तो हाँ ये थीटा तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अगर थीटा नहीं होगा तो गलत हो जाएगा ना। हाँ ठीक है सही है। अब ध्यान से देखना, अब क्या करेंगे, बस फॉर्मुला लिखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। इतना हमारा फिजिक्स था, मतलब यहां तक मैंने जो बताया वो फिजिक्स है। इसके बाद अब जो भी आएगा ना मैथ्स है। अब मैथ्स तुमको नहीं समझ में आ रहा तो अपने मैथ्स टीचर को बोलो कि सर मेरे को इस तरह की कैलकुलेशन नहीं समझ आ रहा है। और क्योंकि फिजिक्स जो मैंने मेरे को बताना था इतना ही फिजिक्स था भाई, इंटीग्रेट करेंगे आंसर आएगा। फ्लक्स मुझे कैलकुलेट करना है रिंग के कारण, रिंग के कारण अगर मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, डी फाई का वैल्यू लिख रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है वहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है के क्यू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिख दिया डी ए। डी ए मतलब ये जो रिंग मैंने कट करके बाहर निकाला इसका एरिया। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसको बाहर निकालो और कट कर दो, खोल दोगे तो रेक्टेंगल बन जाएगा। क्या रेक्टेंगल बन रहा है, जिसका थिकनेस है डी आर का और जिसका लेंथ है टू इंटू पाई इंटू आर का, लेंथ 2 इंटू पाई इंटू आर और थिकनेस डी आर। तो यहां पे जब आप एरिया लिखेंगे स्मॉल एरिया, तो स्मॉल एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर डी आर। इस तरह की कैलकुलेशन मैंने बहुत बार बताया, इसमें मैं अभी डिटेल से नहीं बता सकता इसको। ई डी ए कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू मैं इस ट्रायंगल से लिख सकता हूं क्या, अगर इस ट्रायंगल को देख के मुझे कॉस थीटा लिखना होता तो ए डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रख देते क्या। तो यहां पे क्या रख देंगे, ए डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए। तो ये यहां पे पावर 3/2 हो जाएगा ना। समय को नहीं समझ में आ रहा है, मैंने क्या किया cos थीटा का वैल्यू ये जो ट्रायंगल था वहां से देख के लिख दिया a डिवाइडेड बाय √ ओवर a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर तो पहले से था, अब पावर हाफ और जुड़ जाएगा तो 3/2 हो जाएगा पावर। तो फ्लक्स थ्रू द रिंग, वो जो रिंग एलिमेंट है लेंथ मैंने लिया है उससे फ्लक्स कितना लिंक हो रहा है ऐसा। अब मुझे क्या करना है, अगर नेट फ्लक्स कैलकुलेट करना है डिस्क के कारण तो मैं क्या लिखूंगा, जो भी कांस्टेंट है बाहर निकालो, के क्यू कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल सकते हैं, कैपिटल ए बी कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल सकते हैं, टू पाई बी कॉन्स्टेंट था बाहर निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन के अंदर प्लस जाएगा आर डी आर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इसका पावर 3/2। अब इंटीग्रेशन डीआर आर स्मॉल आर के टर्म्स में हो रहा है और स्मॉल आर का लिमिट कहां से जाएगा, जीरो से कैपिटल आर। यहां तक फिजिक्स था भाई साहब, यहां तक फिजिक्स था। अब इसके बाद जो भी है वो मैथ्स है, इसके बाद जो भी आएगा वो मैथ्स आएगा। मेडिकल वाले बच्चे अगर चाहे तो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वो लग रहा है कि समझ में तो आ रहा है सर स्किप क्यों करना, समझ में तो आ रहा है तो वो देख सकते हैं, इट्स टोटली योर चॉइस। लेकिन अगर तुम्हारा दोनों का अलग अलग क्लास चल रहा होगा ना तो सीएससी मैंने ये क्वेश्चन नहीं कराया होगा। अगर मेडिकल और जेई का साथ साथ में क्लास में नहीं लेगा, जैसे भी रिकॉर्डिंग साथ साथ में कर रहा हूं, अगर दोनों का अलग अलग, मान लो कोरोना नहीं होता, मान लो ऐसा कोरोना नहीं हुआ होता तो क्लास क्लासरूम में चल रही होती, क्लास क्लासरूम में चल रही होती तो मेडिकल वाले क्लास में ये क्वेश्चन मैं नहीं कराता, या ये क्वेश्चन अगर मैं कराता भी तो जो दूसरा मेथड होगा जो कल पढ़ेंगे उससे कराता मैं, ठीक है। तो तुम्हारा विषय है, अगर तुम चाहते हो देखना तो देख सकते हो, नहीं तो तुम चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। लेकिन जेई वाले बच्चों को तो देखना है, जेई वाले बच्चों को ध्यान से देखना और याद रख लेना इस चीज को जो मैं करा रहा हूं यहां पर। तो प्लस टू डिस्क मेरे पास कितना आ रहा है, जो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट को रहने दिया, टू पाई के क्यू ए, टू पाई के क्यू ए। अच्छा इस तरह का इंटीग्रेशन करने का एक ट्रिक होता है, पता नहीं तुम्हारे मैथ्स में इंटीग्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को मान लो टी स्क्वायर, मैं वापस इसको लिख देता हूं, आर डी आर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 और ये जीरो से कैपिटल आर। यहां पे क्या करेंगे, ट्रिक क्या होता है इसको सॉल्व करने का, लेट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर। अब अगर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टी स्क्वायर है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दोगे तो ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया जीरो, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, टू आर डी आर टू टी डी टी। इसका मतलब जहां पर आर डी आर लिखा है वहां पर टी डी टी लिख सकते हैं क्या,
अब ऐसा करने से क्या होगा ना, तुम्हारा इंटीग्रेशन बहुत ही आसान दिखना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे, देखो प्लस टू डिस्क कैलकुलेट कर रहे हैं, टू पाई के क्यू ए कॉन्स्टेंट है, बाहर रहने दिया। इंटीग्रेशन के अंदर क्या है, आर डी आर के प्लेस में लिख दो टी डी टी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टी स्क्वायर है क्या, तो ये हो जाएगा। सर ये तो बहुत ही आसान हो गया, टी के टर्म्स में इंटीग्रेशन। और यहाँ पे जब लिमिट्स पुट करोगे तो टी का लिमिट्स पुट करना पड़ेगा ना, देखो टी का लिमिट्स कैसे पुट करेंगे, हमने क्या बोला ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को टी स्क्वायर माना है। जब मैं आर का वैल्यू, जब मेरे स्मॉल आर का वैल्यू जीरो है, स्मॉल आर का वैल्यू जीरो रखोगे तो टी का वैल्यू ए के बराबर हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे लिमिट आ गया, लोअर लिमिट ए आ गया। जब स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आ गया तो अपर लिमिट जो होगा वो रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा क्या। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेंगे आंसर आ जाएगा। देखो इस तरह का इंटीग्रेशन ना जेई वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसमें क्या होगा इस तरह का इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ता है। और खुद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा इंटीग्रेशन मैंने शायद तुमको पढ़ाया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के पहले वाले लेक्चर में तुमको इस तरह का कैलकुलेशन मैंने तुमको सिखाया है। अब तुम बोलोगे सर मेरे को इंटीग्रेशन भी नहीं आता, मेरे को डिफरेंशिएशन भी नहीं आता, मेरे को मैकेनिक्स भी नहीं आता, तो तुम्हें क्या घंटा आता है, और अगर नहीं आता तो तुम पढ़ते क्यों नहीं, ऐसा तो नहीं कि तुमको पढ़ाया नहीं गया। तुम बोलोगे सर मेरे को वो भी नहीं आता, मेरे को ये भी नहीं आता, मेरे को ये नहीं आता, ठीक है अच्छी बात, तो फिर पढ़ते क्यों नहीं अगर नहीं आता, तुम पढ़ाई करोगे, मेहनत करो, मैंने तुम कितनी बार बोला है, तो मेहनत करो, तो भाई तुम स्टार्ट तो करो। तुमने देखो बहुत लोगों ने ना जब मैंने इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट करने को बोला था तो बहुत लोगों ने स्टार्ट किया, मेरे से कॉल करके पूछते सर ऐसे पढ़ना है वैसे पढ़ना है, मैंने तुमको कैसे तुमको पढ़ना है वो मैं नहीं जानता, लेकिन तुमको पढ़ना है। और ये सोच के मत पढ़ना कि तुमको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं या तुमको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अच्छा कुछ स्कोर करना है, तुम ये सोच के पढ़ना कि तुम अगर फिजिक्स सीख रहे हो मतलब तुम दिमाग का यूज करना सीख रहे हो, आगे जाके ये जो दिमाग ने कितना यूटिलाइज करना सीखा है ना उस पर डिपेंड करेगा तुम्हारा आगे का लाइफ कैसे है। तुम कुछ भी करो ना भाई, लाइफ इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अभी भी ये जो कोरोना टाइम आया है तो स्ट्रगल कर रहे हैं लोग, कौन से लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं जिन्होंने कभी भी अपने दिमाग को लगाना नहीं सीखा था, ठीक है, नो डाउट भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया है, खुद को मैनेज किया है इस बुरे टाइम में भी, तो तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। टाइम बुरी होंगी शायद से और ज्यादा बुरी होगी, वो तुमने कल पता नहीं कल के लिए उसे पढ़ा कि नहीं, वो लंदन में क्या हो गया, वो इतना सारा अमोनिया और क्या क्या रखा हुआ था तो वो ब्लास्ट हो गया, मतलब वो जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना वैसा ब्लास्ट हुआ है वो, लिटरली 4,000 लोग तो ऑफिशियली अनाउंस कर रहे हैं कि इतने लोग मरे, उससे ज्यादा लोग मरे होंगे, ठीक है, क्योंकि कितनों का तो काउंट ही नहीं पता चला होगा कि वो है भी नहीं और डेब्रीज में अभी तक दबे होंगे बेचारे, वो टेररिस्ट से ऐसे ही परेशान थे बेचारे, कोरोना से ऐसे ही परेशान थे और अब ये भी हो गया, तो लाइफ कितनी अनसर्टेन है वो देख लो। फाइव थ्रू डिस्क अगर मुझे चाहिए तो इंटीग्रेशन, अब यहां पर अगर आप सॉल्व करोगे ना इसको तो ये जो ऐसा बच रहा है 2 पाई के क्यू ए तो बाहर रहने दिया, टी डी टी अंदर में बच रहा था टी डी टी, और यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर स्क्वायर अगर कैंसिल हो जाएगा तो टी बच जाएगा, टी क्यूब यहां पर आ गया टी क्यूब, और इसका लिमिट डालना है अपने को ए से रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये टी से ये स्क्वायर बन जाएगा क्या, तो फाइव थ्रू डिस्क का वैल्यू आ जाएगा 2 पाई के क्यू ए डी टी अपॉन टी स्क्वायर, डी टी अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस ऑफ 1/t होता है, ये इंटीग्रेशन बहुत बार आया है तो मैं बोलूंगा ये याद हो जाना चाहिए अब तो यहां पे लिख दो माइनस 1/t, सही है ना, माइनस टू प्लस वन, हाँ माइनस 1/t जीरो से रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो माइनस के माइनस यहां ने दिया 2 पाई के क्यू ए, अपर लिमिट ए है, सॉरी अपर लिमिट का वैल्यू है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ऑफ 1/k, तो 2 पाई के क्यू ए माइनस अंदर चला गया मतलब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या इसी को क्या लिख सकते हो, ऑल अरेंज करके ए अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 पाई के क्यू
टू पाई ए क्यू वन माइनस ए रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। शानदार क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन, सबके बस की बात नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिमाग होने की जरूरत है, अगर दिमाग नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दिमाग नहीं, दिमाग तो होता ही है, दिमाग लगाना नहीं चाहते, दिमाग तो सबके पास है और सबके पास शायद बराबर ही है, कोई ज्यादा यूज करता है, कोई उसको रखा है कचरा बनाने के लिए, उसको लगता है कि लाइफ में कचरा बनाना इज मोर इम्पोर्टेंट देन यूजिंग योर ब्रेन। मैं तुम्हें बताया था भाई, हमारे जो नर्व सेल्स है न्यूरॉन्स, ठीक है, एक नर्व सेल की कैपेसिटी कितनी है, एक नर्व सेल की कैपेसिटी है कितना था, एक नहीं, एक नर्व सेल की कैपेसिटी मान लो 1G, और ऐसे से कितने न्यूरॉन्स है, ठीक है, इतने न्यूरॉन्स है, मतलब 80,000 कुछ कैपेसिटी होती है अपने ब्रेन की, इतना डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। लेकिन हमने डेटा क्या स्टोर कर रखा है, तो हमने डेटा ये स्टोर रखा है कि राम मंदिर वही बनाना है, हमने डेटा ये स्टोर करके रखा है कि लड़ाई करनी है, हमने डेटा ये स्टोर करके रखा है कि पप्पू को पीएम बनाना है, हमने डेटा क्या स्टोर करके रखा है, और इन फिजूल फिजूल की बातें हमने स्टोर करके रखी है, काम की बातें हमने नहीं स्टोर की। ठीक है, एक बार हमेशा याद रखना, जब तक हम यूनाइटेड है तब तक इंडिया है, एक बार यूनाइटेड ये खत्म हुआ ना, धर्म धर्म की लड़ाई एक बार स्टार्ट हो गई ना अच्छे से, तो कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, इंडिया खत्म हो जाएगा। इंडिया का एग्जिस्टेंस ही इसीलिए है क्योंकि हमने डाइवर्सिटी में भी यूनिटी मेंटेन करना सीखा था। तो कोई कुछ भी बोले, तुम अपनी यूनिटी मत खोना, और तुम अगर अपनी यूनिटी खो रहे हो ना, मतलब तुम हमारे जो कल्चर, हमारा जो एटमोसफेयर है उसको खराब कर रहे हो, और मैं तो बहुत अगेंस्ट हूँ इन सबके। इतना ही नहीं देते आज, ठीक है, चलो।